हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको ढोकले बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम करीब बेसन लिया है और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। इसमें ये आधा चम्मच नमक डालती हूँ। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूंगी और ये 2 चम्मच इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये इसके बाद इसमें डालूंगी पानी। और इसमें ये आधा नींबू का रस डाला है मैंने, इसमें आधा कटा हुआ नींबू है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी। इस तरह से और इसको एक ही साइड ऐसे चलाना है, इसको दोनों साइड ऐसे नहीं। घोल को न ज़्यादा गाढ़ा करना है न ज़्यादा पतला करना है इसको, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लें। अब इसको ऐसे 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया। इसको बीटर से भी अच्छे से फेंट सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको चम्मच से ही इसको फेंट लेती हूँ इसको इस तरह से। अब इसमें डालूंगी एक पाउच इनो। ये इनो डाल दिया मैंने। अब इसको फिर दोबारा इसको अच्छे से ऐसे इस तरह से फेंट लिया। ये इसको फेंट के रख दी। और अब ये स्टफ हमारा हो गया तैयार। और इस थाली के अंदर मैंने लगा लिया घी और इसमें अब ये इसको ऐसे डाल रही हूँ इस तरह से। ये एकदम देखो एकदम फूल चुका है ये इस तरह से। इसको अच्छे से ऐसे निकाल लिया। अब इसको अच्छे से इसको फैला दिया इसमें इस तरह से। और एक तरफ हमने कर लिया कढ़ाई में गरम पानी। गरम पानी हो गया अच्छे से और इसके अंदर रख दिया ये स्टैंड और इसके ऊपर रख दूंगी ये थाली इस तरह से। ये इस तरह से क्योंकि इसको हमने स्टीम में करना है। इसको ढक्कन लगा दिया। अब इसको 10 मिनट तक इसको धीमी आंच पे गैस को ऐसे स्लो कर देंगे और इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको ढक्कन को हटाते हैं और ये टूथपिक डाल के इसको देखते हैं। ये देख, अगर इसके चिपक रहा है तो ये कच्चा है और इसको अगर ये
एकदम साफ है ये देखो, इसका मतलब ये है एकदम पक चुका। और ये ढक्कन है इसके, ये स्टीम बाहर नहीं जानी चाहिए, फिर ये 10 और 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको हम निकालते हैं। अब इसको चाकू से इस तरह से काट लेते हैं और चारों तरफ से इस ऐसे इसको हटा लें। इस तरह से अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इतनी देर हम करते हैं इसके लिए इसका तड़का तैयार। अब करते हैं गैस ऑन और इस पर रखते हैं तड़का पैन और इसमें 2 चम्मच डालती हूँ देसी घी। दोस्तों इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें डालती हूँ मैं सरसों के दाने। अब राई डाल सकते हो लेकिन मेरे पास सरसों रखा था तो मैंने सोचा बस सरसों के दाने डाल देती हूँ। इसके बाद डालती हूँ हरी मिर्चें और ये कड़ी पत्ते। अब तड़के में मैंने डेढ़ गिलास ये वाला 1.5 गिलास मैंने डाला पानी और इसके अंदर डालती हूँ 2 चम्मच चीनी। उसको उबाल आने दूंगी और इसमें जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी, जब तक हमारा तड़का तैयार होता है इतनी देर हम इसको डाल देते हैं निकाल के प्लेट में। इस तरह से इसको निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। दोस्तों सारे ढोकले निकाल के हमने प्लेट में रख लिए हैं और एक तरफ हमारा तड़का तैयार हो रहा है। ये देखो इसमें जाली बन गई है, देखो स्पंजी, ये देखो इस तरह से। अब हम तड़का चेक करते हैं, तड़का हो गया हमारा तैयार। अब गैस करते हैं बंद। और इसको थोड़ा थोड़ा करके इस पर ऐसे डालते हैं। इस तरह से दोस्तों इस पर ये सारा तड़का इस पर डाल दिया है और ये हमारे ढोकले हो गए हैं तैयार। इसको आप बना के देखना, ट्राई करना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर ज़रूर करना।